Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ पूजा और हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए. तो मेरे हबी आ चुके हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं आज घूमने. और रियांश को मैंने घर पे छोड़ा है मम्मी के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, क्राउड काफ़ी रहता है. तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, छोटे बच्चे को लेके जाना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए. तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. हम लोग घर से निकल चुके हैं, तो चलिए फिर. तो अब हम लोग आ चुके हैं दमदम पर. तो हम लोग सोचे कि ये चलो छोटा छोटा भी आप लोगों को दिखाएं. तो हम अभी पहला पंडाल देख रहे हैं, छोटा है बट वो सुंदर है. तो चलिए. तो हम लोग आ चुके हैं दमदम पर युवक केंद्र, युवक केंद्र आए हैं. तो मैं आपको दमदम पर का युवक केंद्र का दिखाती हूँ कि यहाँ पे पंडाल कैसा बना है. देख सकते हो आप, यहाँ पे बना हुआ है युवक केंद्र का. ये बहुत ही कोलकाता का फेमस है. तो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो क्या बन रही है. लाइटिंग की हुई है. तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, मैं आगे आगे थी, मेरे हस्बैंड पीछे थे. तो मैंने इनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है. ये जा रहे हैं अभी भारत चक्रा की तरफ. यहाँ पे मेला लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है. यहाँ पे खाने पीने की भी अरेंजमेंट्स रहती हैं. लोग दुर्गा पूजा माने सोचते हैं कि चलो खाना भी तो बाहर ही खाएंगे. तो दुर्गा पूजा माने ही हलो खावा दावा बाहर के लिए, সেই জন্যই এখানে হচ্ছে আমাদের কলকাতার দুর্গাপূজা. প্রত্যেকের মুখে যেন মাস্ক থাকে, আমি বিভিন্নভাবে অনুরোধ করব প্রত্যেক দর্শনার্থী মাস্ক लंबी लाइन देके देख रहे हैं. बट हाँ, फिर भी इस बार दूसरे सालों के रेस्पेक्ट थोड़ा कम है. क्राउड यहाँ पे सही है. ইতিমধ্যে আর্টিস্ট প্রাইজ, আর্টিস্ট পুরস্কার বিভিন্ন স্মারক সম্মানে ভূষিত হয়েছে আপনাদের সেরা বারোয়ারি দ্বিতীয় পুরস্কার, আল্ট্রাটেক সেভেন ওয়ান্ডার্স সেরা ওয়ান্ডার, নিউজ 18 বাংলা শরৎ সম্মানের কলকাতা সেরার সেরা, কলকাতা নিউজ 19 শরৎ সম্মানের. तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दूसरे पंडाल की तरफ. तो दुर्गा पूजा मतलब कोलकाता में तो बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे. यहाँ पे हर एक थीम थीम लेके लोग यहाँ पे पंडाल बनाते हैं. हर एक तरह का पंडाल यहाँ पे रहता है. आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पे पंडाल देखने को मिलेंगे. हम वो ना बना, हम यहाँ पे चल रहे हैं दूसरे साइड पे. चुके हैं तरुण दल. मैं आप लोगों को तरुण दल का पंडाल दिखाती हूँ, तो प्लीज बने रहिए. चलिए चलो चलो, फोटो क्लिक करना. तो ये है बहुत ही फेमस और यहाँ का तरुण शंकु दल का बना है पंडाल दमदम पार्क में. बहुत अच्छी कारीगरी यहाँ पे की गई है. आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बांस का बना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बना है ये प्रतिमा. यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत बना है, पूरा एक अलग ही माहौल है. यहाँ पे लाइटिंग कितनी खूबसूरत की गई है, तारीफ़ काबिल है. और कितना
मोबाइल से सब वीडियो शूट करने में लगे हुए हैं, तो बहुत ही कोलकाता में हर एक थीम पे इतना अच्छा बना देता है ना पंडाल, आपको देखने लायक रहता है। तो ये पूरा बांस से बना हुआ पंडाल है, देखो माता की प्रतिमा यहाँ पे कितनी खूबसूरत है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी यहाँ पे कि देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये प्रतिमा। यहाँ देखिए प्रतिमा, बिल्कुल हर एक पंडाल में आपको अलग अलग यहाँ पे प्रतिमा दिखता है, कोई भी प्रतिमा एक दूसरे की तरह नहीं होता है, बिल्कुल सिमिलर तो आपको मिलेगा ही नहीं। सब यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत पंडाल बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत माता की मूर्तियाँ होती हैं। तो यहाँ देखिए कितना क्राउड रहता है ना, लोग यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा एक वीडियो बनाया है, सोचा कि चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रतिमा को थोड़ा साइड से लेने लगे वीडियो, क्योंकि यहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे कि बाहर निकलो बाहर निकलो, क्योंकि काफ़ी भीड़ होते जा रही थी। तो हम लोगों ने साइड से एक छोटा सा क्लिप बनाया, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा पंडाल बना है, माता की मूर्ति कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे तारीफ़ काबिल है। कुछ भी एक दूसरे की तारीफ ना करो तो नहीं बनता है, यहाँ पे लाइटिंग से ले कर पंडाल मूर्ति माने सब कुछ ही, माने कोलकाता शेरा पूजो, पूजो माने कोलकाता शेरा पूजो। और दमदम पार्क हलो हमारे काछाकाछी बाड़ी, খুব সুন্দর এখানে বানানো হয়েছে, আপনি দেখতে পাচ্ছ এই প্যান্ডেলের উপরের পোর্শনটা কি সুন্দর করে বানানো হয়েছে। তো আমাদের এটা হলো দমদম পার্কের যুবক সংঘ, সরি এটা আমাদের তরুণ দলের পুজো, बच्ची लड़की है बना तो रहे हैं। चलो ना अब हम लोग बाहर निकल गए, तो यहाँ पे एक बच्ची को हम लोगों ने देखा कि वो एक अपना कर्तव्य दिखा रही थी, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा इसका वीडियो बना लेते। तो कितने मेहनत से ये बच्ची यहाँ पे बना रही है, एक वीडियो बना रही है, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना लिया इसका। अब हम लोग आ चुके हैं भारत चक्र, तो यहाँ का थीम था आपका कृषि आंदोलन पे, तो ये भी पंडाल बहुत खूबसूरत बना था, और ये हमारे कृषि आंदोलन का थीम रखा गया था। ये हर बार इसे शेरा पूजो का अवॉर्ड मिलता है इस लोकेलिटी का, तो ये बहुत ही खूबसूरत पंडाल बना है। आप देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ, और हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत सा ये भी पंडाल है, थीम यहाँ पे छोटे छोटे पेपर्स में सारे आंदोलन लिखे हुए हैं यहाँ पे मैंने बंगाली में, तो आप देखो यहाँ पे उतना जूम करके मैं नहीं दिखा पा रही थी, तो ये सारा यहाँ पे बना हुआ है, लिखे हुए हैं यहाँ पे पेपर्स पे, छोटे छोटे पेपर्स यहाँ पे कटे हुए, तो ये कृषि आंदोलन रिलेटेड है। तो इसकी थीम भी बहुत अच्छी है, ये भारत चक्र है, तो भारत चक्र का पंडाल भी बहुत खूबसूरत होता है, हर बार इसका थीम एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है, हर साल एक थीम लेके आता है। कितना आंदोलन हुआ है, कृषि आंदोलन का यहाँ पे लिखा हुआ है सारा बंगला में, यहाँ पे लोगों का जूम लगा हुआ है, सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं वीडियो शूट करने के लिए, कोई एक भी मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं कि कोई भी मौका ना छूटे, कोई भी क्लिप ना छूटे, किसी तरह से सबको व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस अपडेट करना है, इंस्टा पे लगाना है, यूट्यूब पे शेयर करना है, तो सब यहाँ पे इस तरह का क्रेज रहता है। और हमारे कोलकाता वासियों का दुर्गा पूजा एक जूम रहता है, मेला है, त्यौहार है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम लोगों के लिए, तो लोग बाहर से आते हैं कोलकाता का दुर्गा पूजा देखने के लिए, यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत थीम बनती है। तो हम लोग नहीं कोलकाता जा नहीं पाए, हमारा बेबी छोटा है, हम लोगों ने सोचा चलो पास से ही घुमाते हैं, तो ये यहाँ की बहुत खूबसूरत थीम पंडालें थी जिसका आज हम लोगों ने दर्शन किया। तो मैंने सोचा कि चलो छोटे मोटे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आज के आज मैं ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप बनाया, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पे पिचोली जो होता है ना, वो उससे बना है ये पंडाल, और ये कृषि आंदोलन को दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे अंग्रेजों ने हमारे भारत पे किस तरह राज किया, किस तरह से किसानों पर अत्याचार हुई, सभी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है बहुत अच्छे से, यहाँ पे हर एक पेपर के छोटे छोटे क्लिप्स पे लिखे हुए हैं। तो मैं एकदम इसे जूम करती हूँ, आपको दिखाती हूँ माता की प्रतिमा यहाँ पे टंगी है। तो हर मैंने आपको पहले ही कहा ना कि यहाँ पे हर जगह आपको मूर्ति अलग दिखेगी, तो सभी प्रतिमा बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आपको नज़र आएगा, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो देखिए यहाँ पे चलो।
গোপাল ফটোগ্রাফি হলো ভাই ऐसे पता लगेगा देखो जूम करके ये देखो सम्मानी भूषित होने হৃদয় দমন পাত্র অনুষ্ঠান পুজো কমিটি যার অন্যতম জিও বাংলার শরৎ সম্মানের স্পেশাল জিউরি অ্যাওয়ার্ড বিশ্ব বাংলা শরৎ সম্মানের সেরার সেরা পুরস্কার বিশ্ব বাংলা শরৎ সম্মানের সেরার সেরা পুরস্কার টিভি নাইন বাংলার সেরা বারোয়ারি দ্বিতীয় পুরস্কার আল্ট্রাটেক সেভেন ওয়ান্ডার্স সেরা ওয়ান্ডার নিউজ 18 বাংলা শরৎ সম্মানের কলকাতা